साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड, क्योंकि कुवैत में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज या फिर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मैसेज इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं कुवैत से रिलेटेड। अब कुवैत हर आदमी जाना चाहता है, हो सकता है उनको ये लगता है कि सिक्का थोड़ा ज़्यादा है तो तनख्वाह ठीक मिल जाती है। दूसरी बात, कुवैत का सबसे ज़्यादा शटडाउन का काम चलता है। जी हाँ, अब चलता तो कम है लेकिन लोगों को दिखाया ज़्यादा जाता है। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई दिन नहीं है कि 10 से 15 बंदे कुवैत से रिलेटेड वीज़ा वगैरह ऑफर लेटर वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो एक चीज़ इसमें कॉमन सी बात सामने निकल के आ रही है, ये चीज़ आपके अगर आप कुवैत जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ताकि जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू जाओ तो आपके साथ कोई फ्रॉड का सामना न करना पड़े। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज इसी तरीके के सही मोटिवेशनल आपको वीडियो मिलते रहे। तो चलिए अपन आज शुरुआत करेंगे साथियों कुवैत वीज़ा से रिलेटेड। अब कुवैत का वीज़ा भाई विजिट भी आता है, वीज़ा परमिट वीज़ा भी आता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं। हम बात करेंगे विजिट वीज़ा की बजाय वर्क परमिट वीज़ा से रिलेटेड। शटडाउन का मान सकते हो या वर्क परमिट का वीज़ा मान सकते हो। तो ई एंट्री वीज़ा लगभग सेम में यही आता है, यहाँ से 3 महीने का वीज़ा होता है, फिर वो प्रोसेस वगैरह आपको सबको पता ही है। इस वीज़ा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वीज़ा चेक करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये असली है या नकली है। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक तो नकली वीज़ा दे दिया जाता है, ये दो वीज़ा हैं। ठीक है, एक असली है एक नकली है, दोनों वीज़ा ऑनलाइन चेक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। इसी का एक बड़ा चक्रव्यूह रच के 50-60-100-200 लोगों को एक साथ फंसा के पैसा लेके रातों रात एजेंट रफू चक्कर हो जाते हैं और आप लोग देखते रह जाते हो। खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है, 20-30 रुपए लोग मारते हैं, तो आपको ये लगता है यार 20-30 ही तो गए हैं, कोई बात नहीं, तो मन को तसल्ली देके आप लोग बैठ जाते हो। तो हम बात करेंगे कुवैत वीजा से रिलेटेड। अगर आप वीजा ऑनलाइन चेक करते हो तो वीजा ऑनलाइन चेक हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो असली हो चाहे नकली हो। ये किस तरह से होता है मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। असली वीज़ा नकली वीज़ा का नंबर देखिए, मैं कुवैत का वीज़ा कहाँ से चेक होता है आपको पता है ना, वीज़ा नंबर से, 9 डिजिट का नंबर होता है वीज़ा नंबर, ठीक है, उसी से वो वीज़ा नंबर चेक होता है। अब मान लीजिए कि ये वीज़ा असली है, ये वीज़ा नकली है, ठीक है, दो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये ए वीज़ा असली है बी वीज़ा नकली है। दोनों को आपने कुवैत की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप डालोगे तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो कुवैत के वीज़ा नंबर हैं, वीज़ा नंबर इसमें देखिए ऊपर आपका नाम होता है, ठीक है, आपका पासपोर्ट नंबर इसमें चेक नहीं होता, पासपोर्ट नंबर से वीज़ा चेक नहीं होता कुवैत का, ठीक है, ये होता है वीज़ा नंबर से। तो आपका नाम आ गया और आपका पासपोर्ट नंबर आ गया, ये वीज़ा नंबर है। यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि ये वीज़ा नंबर ओरिजिनल, जैसे मेरा मान लीजिए ओरिजिनल वीज़ा है, ठीक है, मेरी कॉपी करके मेरा नाम, मेरा जो वीज़ा नंबर है वो आपको एडिट करके आपके ऊपर एडिट नंबर लिख दिया जाता है, वीज़ा का नंबर, यानी वीज़ा नंबर दोनों का, ए का भी यही है बी का भी यही है। अगर आप चेक करोगे तो मैंने तो मेरा चेक कर लिया वीज़ा नंबर से, तो मेरा शो कर रहा है सही तरीके से, आपको मान लीजिए चेक करेंगे तो वीज़ा नंबर तो मेरा ही है ना, 9 डिजिट 9 नंबर हैं, नंबर आपको वीज़ा नंबर डालोगे तो आपका वीज़ा अप्रूव्ड दिखा देगा, तो आपको ये लगेगा कि यार वीज़ा अपना ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप झट से एजेंट को पैसा दे देते हो। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान रखें। लोगों को समझाता हूँ फिर भी उनको ये लगता है कि नहीं यार हो सकता है मेरी बात 1% झूठ हो, अगले की बात सही हो। कल एक बंदे का मैंने एक वीज़ा भेजा, उसने मुझे घर बैठे बैठे $270 उसको 270 KD सैलरी दे रहा है, 9 महीने का वीज़ा है और मात्र 20,000 रुपये मांग रहा है, बिना इंटरव्यू दिए पासपोर्ट घर पड़ा है, 10वें दिन बंदे को वीज़ा दे दिया, अब टिकट के पैसे मांग रहा है। तो मैंने उसको ये बात बोली कि मैं बोला भाई देख ले इस तरह से होता है। आज फिर उसके भाई का फ़ोन आया, बोला सर ऐसे कैसे बता दिया आपने, वीज़ा नकली कैसे बताया, हमें सबूत दो। भाई सबूत देना है तो एम्बेसी चले जाओ, वहाँ पता लगेगा। बेस्ट ऑप्शन यही है कुवैत का, भाई इतना खर्चा कर रहे हो आप, 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो फिर एम्बेसी पहुँचो ना वीज़ा लेके। अगर आपको लगता है डाउटफुल है तो आप वीज़ा लेके एम्बेसी जाओ कुवैत की, वहीं पर वीज़े का ओरिजिनल पता लगेगा मेरे भाई, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वीज़ा नंबर लोग एडिट करके, मेरा ओरिजिनल वीज़ा नंबर एडिट करके आपके आपके सिस्टम में डाल देंगे। वही वीज़ा नंबर आप चेक करोगे तो आपको ओरिजिनल दिखाएगा, वही मुझे ओरिजिनल दिखाएगा, तो फ़र्क क्या हुआ। इसका यही ऑप्शन है, ओरिजिनल वीज़ा की पहचान करने के लिए एम्बेसी जाना पड़ेगा। ये कुवैत जाने वाले खास तौर से मेरी बात को रिक्वेस्ट करके ध्यान से सुन लीजिए,
सबको लागू नहीं होती, जिनको डाउट होता है, जिन एजेंट को जो जानते नहीं हैं या फिर ऐसे ही कहीं फेसबुक पे वीडियो पे यूट्यूब पे ऐड देख के कॉन्टेक्ट कर लिया या मैसेज से कॉन्टेक्ट कर लिया, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी कोई जान पहचान का तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होने वाली है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए सिर्फ इंक्वायरी के लिए डाला है। अगर आपके साथ कभी कुवैत से रिलेटेड कोई वीज़ा वगैरह आया हो तो भाई थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। मैं नहीं कहता सब लोग फ्रॉड होते हैं, लेकिन ये चीज़ की इंक्वायरी करना आपका 100% फर्ज बनता है। बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर रोज़ इसी तरीके की सही जानकारी, सही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।